बहुत अच्छी थी मैम। फिल्म में स्टोरी अच्छी थी, जो बनारस के बारे में बोला गया वो अच्छा था, एंड उसके कुछ यूनिक वर्ड्स हैं वो अच्छे थे, देन ऑल ऑफ मूवी पूरी ही अच्छी थी। और सनी देओल जी तो पहले से ही अच्छे हैं। एक्शन नो मैम, जस्ट किसी मूवी में मेरे हिसाब से एक्शन मायने नहीं रखता है, क्योंकि स्टोरी पूरी मूवी को ही क्रिएट करती है, अच्छा डायरेक्टर ही एक अच्छी मूवी बनाता है, तो स्टोरी पे ही पूरी मूवी चलनी होती है, तो एक्शन का कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस टाइप की मूवी है तो इसमें एक्शन होना भी नहीं चाहिए था, शायद अगर एक्शन होता तो आई नो कि इतनी अच्छी होती वो। हाँ मतलब कल्चर है वैसा जैसा दिखाया है, तो जो भी प्रेजेंट किया है वो सही प्रेजेंट किया है। मैम देखिए, जो भी है ये मूवी है और इसमें कुछ तो अलग से मसाले डालने ही पड़ते हैं, तो जो भी अलग से डाला गया वो मसाला है, क्योंकि अगर हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो हम मूवी क्यों देखेंगे। नहीं मैम, इसमें अगर किसी धर्म को लेके ये बातें की जाए तो वो गलत होंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो धर्म और ये सब पॉलिटिशियन का काम है, हम एक्टर्स और हम जैसे लोगों का काम नहीं, हमारा काम है एक अच्छा राइटर बनना, अच्छा एक्टर बनना और अच्छी मूवी को देख के कुछ सीखना। थोड़ा बहुत है वो कॉमन है, वो तो हर जगह अभी गदर में इतना सारा दिखाया गया तो वो तो कॉमन हो चुका है उसका। इज़ अ गुड परफॉर्मेंस एंड रवि किशन इज़ द अदर कैरेक्टर्स, सो जस्ट लाइक इट मैम 3.5। अच्छी मूवी है, हाँ टॉपिक काफ़ी अच्छा लिया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका, स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट स्टोरी थोड़ी स्लो कर दी उन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने रिलीजन के ऊपर, थोड़ा पॉलिटिक्स डाल दिया उसमें, थोड़ा अयोध्या का मुद्दा ले लिया उन्होंने, तो कहानी ठीक है और एक्टिंग वाइज भी अच्छा है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है, इस तरह से पूरी टीम को लेके चला है तो अच्छा काम किया उसने, डायरेक्शन अच्छा किया। सिचुएशन रियल है, वहाँ की रियल सिचुएशन है, ये होता है। ओह हाँ सही दिखाया हुआ है, ऐसा होता है शायद, क्योंकि देखते हुए लग रहा था ये कनेक्टेड हैं, लेकिन कहानी धीरे धीरे स्लो होती गई तो फिर वो एक कहानी में कहाँ इतना पता चल पाता है बनारस का, बनारस बहुत बड़ा है। आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 3 दे दूँगा। ठीक है, टाइम पास नॉट गुड, एक्टिंग वाइज अच्छी फिल्म है, कोई स्टोरी लाइनअप नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं सनी पाजी है, साक्षी तंवर है, सबने काम अच्छा किया, क्योंकि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं सबने बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ सोशल मैसेज नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहानी किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुई और एंड में कुछ अच्छा एंड देना दिखाया, धर्म को लेकर कुछ बातचीत की गई है, राजनीतियों को कुछ बातचीत की गई है, कांग्रेस और लाइक बीजेपी को लेकर कुछ बातचीत की गई है, कोई लाइक मुझे कोई विज़न नहीं लगा फिल्म का। और गाली यूज़ की गई है और लाइक वो कहते हैं वहाँ का वो फेमस ही है गाली, तो बट हर जगह यूज़ करना उसका मुझे कोई लाइक तुक नहीं लगा उस बात का। हाँ एक सोशल मैसेज था कि लाइक अंग्रेज़ी और हिंदी का और संस्कृत का जो बता रहे थे, हाँ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अच्छा है, और कोई भी लाइक आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसके लिए लैंग्वेज अच्छी है तो सीखनी चाहिए। देखो सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और मुझे जहाँ तक समझ भी आया, बट लाइक मुझे नहीं लगता उतना अलग है जितना उसमें दिखाया गया है, लाइक कुछ कॉमन चीज़ें उठा के चिपकाई गई है और उतना तो नहीं लगा, बट ठीक है, अभी कुछ अच्छी फिल्म भी नहीं है तो आप क्या करोगे। देखो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, एक्टिंग वाइज फिल्म बहुत अच्छी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर हैं, सनी पाजी हैं, जो भी एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट थिएटर बैकग्राउंड के आर्टिस्ट हैं, सबको लाइनें अच्छी मिली हैं, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, सबके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। और लाइक जो अयोध्या वाला टॉपिक था, राम मंदिर और वो मस्जिद का, लाइक मेरा खुद का विज़न है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार वहाँ पे अगर तुम देश हित में कुछ करना चाहते हो तो लाइक हॉस्पिटल बना दो, कुछ गवर्नमेंट संस्था बना दो जो लोगों की सेवा कर पाए, हेल्प कर पाए, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे मंदिर ही बने, मस्जिद ही बने, लाइक तो एक लड़ाई झगड़े वाला टॉपिक है तो उसका कोई तुक नहीं है। गालियों का ऐसे ही कुछ जगह बेमतलब ही यूज़ किया गया है, कोई वहाँ पे उसका विज़न नहीं है कि गाली बार बार कुछ चीज़ें हैं जो लाइक
सब लोग बैठ के नहीं देख सकते यार, लाइक ठीक आप अकेले चले जाओ, लाइक फैमिली फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कह नहीं सकते। देखो डायरेक्शन तो ठीक है, जिस हिसाब से फिल्म को फिल्माया गया वो अच्छा है, बट फिल्म एंड में जाके कहीं ख़त्म नहीं हुई, लाइक कुछ मतलब नहीं निकला, लाइक वो भोलेनाथ जी को वापस वो गंगा में बहाए और लाइक फिर वो वापस घर में ले आते हैं, लाइक वो वाली बात है ना कि इंसान जब भूखा मर रहा हो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, एक अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं समझौता करेगा। तो लाइक वो समझौता दिखाया लास्ट में कि हाँ वो समझौता भी किया उसने, और वो कैथरीन जो लड़की लास्ट में जिसको रखा, बट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया चीज़। 2.5 या 3 काफ़ी अच्छी थी। सी बहुत सारी सोशल इश्यूज़ को दिखाने के चक्कर में द डायरेक्टर आई थिंक लॉस्ट हिज क्लैरिटी, तो उन्हें हर भले बहुत सारे सोशल इश्यूज तुमने लेके आ गए स्क्रिप्ट में, लेकिन हर एक पर इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए था, ना कि यू नो जैसे इंग्लिश हिंदी के यूजेज में, जैसे हिंदी को आई थिंक प्रमोट करने के लिए तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी स्क्रिप्ट में। सनी देओल, साक्षी तन्वर, पीपल लाइक देम, परफॉर्मर लाइक देम कुड हैव बीन मच बेटर इन द फिल्म, लेकिन ओवरऑल इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे जैसे द फिल्म वेंट ऑन सेकेंड हाफ तक यू फेल्ट लाइक क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, तो ओवरऑल ठीक था फिल्म, बट कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन मच क्लियर। एज आई सेड, सी सेंसिटिव टॉपिक्स काफ़ी सारे चुने गए उन्होंने, उन्हें एक दिखाना चाहिए था या दो तीन, बट सबको जेलअप मिक्सअप कर दिया, तो दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट, दैट इज़ वेयर द फिल्म वेंट डाउन, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वे मच फ्रॉम सनी देओल एंड साक्षी तन्वर बीइंग इन द फिल्म, बट ठीक है उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। एग्जैक्टली सनी देओल हुज़ प्लेइंग पंडित इन दिस फिल्म, एंड क्योंकि बनारस में पूरा शूटिंग किया है, द लोकेशंस कुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ द फिल्म, लेकिन उतनी बखूबी या उतने उम्दा तरीके से नहीं दिखाया गया। आई वेंट फॉर द फिल्म बिकॉज ऑफ साक्षी तन्वर एंड सनी देओल, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट जब स्क्रिप्ट में ही क्लैरिटी नहीं है तो एक्टर्स भी फिल्म को नहीं बचा सकते, दैट इज़ अ थिंग। उसी की वजह से फिल्म लैक हुई है, अगर डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते तो आई थिंक द फिल्म कुड हैव बीन अ बेटर वन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक 2 stars out of 5, दैट्स इट।